बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम है और आज जो है 16 सेंटीग्रेड जो है गर्मी है। तो अभी ट्रेन आ गई है, तो अभी जो है मैं जाऊंगा घर। काम मैंने खैर ख़त्म कर दिया है, तो जाऊंगा घर, नमाज़ पढ़ूंगा और उसके बाद जो है इंशाल्लाह कुछ काम है। मैंने वैसे जो है ना पिछले जो गुज़रा संडे है, हर संडे को मैं करता हूँ, सफाई करता हूँ, तो ये पिछले संडे मैंने सफाई नहीं की थी। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मोटरसाइकिल है, पुराने ज़माने की है, पता नहीं किस सन की है, मगर ये आप देख सकते हो। ये साथ ही ये जो है लेदर वाला, लेदर खैर नहीं है, मगर ये जो है बहुत ज़्यादा, खैर ये ज़्यादा 25 किलोमीटर से ज़्यादा ये चलती नहीं है ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इस तरह की जो पुरानी चीज़ें हैं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो खैर, अगर आप लोगों को पता होगा ये मीटर है इसका, ये मीटर भी जो टूटा हुआ है, तो अगर आप लोगों को पता हो कि ये किस सन की है तो आप प्लीज़ है ये बता सकते हैं। तो ये सीट जो है, सीट बहुत खूबसूरत है। साइकिलें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर सिटी में जो है होती है, मेन सेंटरों में, यह भी मेन सिटी सेंटर है, यानी ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन है, तो यहाँ पे बहुत सारे साइकिलें हैं हर सिटी में। और हर स्वीडन में ये है कि साइकिल की चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तभी जो है यह भी गिरी हुई है, इसको ताला भी लगा हुआ है, गिरी हुई है, दोनों को ताले लगे हुए हैं, इसको भी ताला लगा हुआ है। एक मैं देख रहा था इस तरह का जो है ना, इधर ताला लगा था, मगर फिर भी जो है वो सारे जो है यहाँ से तोड़ के जो है ना ये सारा हिस्सा लेके गए थे और सिर्फ टायर जो है इधर छोड़ गए थे चोर। सिर्फ एक टायर जो है सामने वाला जहाँ से ताला लगा था, वो साइकिल वहाँ से जो है ना खोल के लेके गए थे। तो यहाँ पे साइकिलों की चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मुझसे खुद जो है 2 से 3 साइकिलें जो है चोरी हो गई। एक साइकिल तो था बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त साइकिल था, मगर वो जो है चोरी हो गया था, पता नहीं, मैंने ताला भी लगाया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है बहुत ज़बरदस्त है। जब से मैं इधर इस न्यू सिटी में आया हूँ, इस सिटी में, तो अभी तक इतना खूबसूरत मौसम जो है दिन के टाइम पे अभी तक जो है मैंने कभी नहीं देखा। दिसंबर में मैं आया हूँ, दिसंबर से लेके अभी जो है अप्रैल भी ख़त्म होने वाला है, तो अप्रैल भी ये ख़त्म होने वाला है, तो अभी तक जो है सिर्फ बर्फ़बारी और हवाएं, बारिश और जो है ना माइनस का टेम्परेचर। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम है, खूबसूरत मौसम है। तो अभी जो है ये पत्थर ये क्या नाम है, इसमें पत्ते जो है ना निकाल, ये पत्ते जो ना अभी निकलना शुरू हो गया इसमें, और ये सफेदा इसको हम कहते हैं पश्तो में, ये जो है बहुत ज़्यादा है। और ये वाला साइड भी, ये भी जो ना पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। और ये थोड़े से, ये खैर नहीं है, वो वाला जो है थोड़े से गने गने, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। तो ये है बग़ैर स्नो के हमारा ट्रेन स्टेशन, छोटा सा है मगर अच्छा है। ट्रेन खैर बहुत ज़्यादा कम आता है इधर, वैसे बस वाला सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा अच्छा सर्विस है। तो ये बस अड्डा है मेन, तो यहाँ से जो है ना ज़्यादातर लोग आते जाते हैं, तो ट्रेन जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा कम देखा इधर। ये यहाँ से आगे जाता है वेस्टविक, और यहाँ से लिंशोपिंग से आता है ये वाला साइड।
और इस तरह का मौसम हो तो बंदा जो है निकलने का भी दिल करता है बाहर जाने का। ज़्यादातर मुझे जो है ना जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मेरा जो है ना दिल नहीं करता बाहर जाने, क्योंकि सर्दियाँ होती है और हवाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो आप वीडियो में बनाता हूँ तो वीडियो में मैं गया था इस तरफ, ये पुराना वाला साइड जो है, तो मेरे उंगलियां जो हैं लाल नीले पीले हो गई थी, इतनी सर्दी थी, -18 सर्दी थी उस दिन। तभी ये नए जो है ना ये घास पे उग गई है। तो समर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं सही बता रहा हूँ, साउथ ऑफ स्वीडन में बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम होता है। और नॉर्थ में अब भी सर्दी है, वहाँ पे अब भी जो है ज़्यादातर बर्फ़ ख़त्म हो गई है, मगर फिर भी जो है ना वो नॉर्थ वाला साइड है तो वहाँ पे जो है ना सर्दियाँ होती है। अब भी जो है अभी दिन के टाइम है तो दिन के टाइम में भी यही कुछ 4-5 यहाँ प्लस में होगा। खैर ये थोड़ी सी वीडियो आप लोगों को मैंने बनानी थी काम से। खैर अभी जो है ना मैं घर जा रहा हूँ तो आज मौसम जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। वैसे हर वीडियो में आप लोगों को मैं बर्फ़बारी जो है ना ये दिखाता हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ज़बरदस्त है। तो खैर जिधर भी रहिए खुश रहिए आबाद रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।